दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद। दोस्तों आज का हमारा विषय है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? आप संतुलित आहार से क्या समझते हो? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? मैं आज आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको बैलेंस डाइट क्या चीज़ है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने अनुभव के अनुसार आज बता दूंगा। मैं कोई किताबी नॉलेज या किसी कहाई कहाई बातें नहीं बताऊँगा। मैं जो खुद पालन करता हूँ पिछले 25 सालों से, वह अनुभव आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगा। आप लोगों ने बातों को ध्यान से सुनना, मनन करना, पालन करना। अगर सारी बातें जाननी हो तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, नहीं तो आपको सारी बातें जानकारी नहीं हो पाएगी। दोस्तों तमाम लोग, तमाम डॉक्टर, तमाम वैद्य कहते हैं कि चार रोटियां खा लो, एक गिलास दूध पी लो, दो केले खा लो, साग खा लो, सब्जी खा लो, फल खा लो, फ्रूट खा लो, हो गया बैलेंस डाइट। लेकिन मैं इसे नहीं मानता। ये सब किताबी ज्ञान है, किताबी नॉलेज है। किताबी नॉलेज में और फिजिकल लाइफ में हकीकत तहकीकात करने से जो पता लगता है उसमें बहुत अंतर होते हैं। आप लोग समझते हो ना, किताबों में सब लोग जानते हैं कि भाई ताज़े ताज़े फल खाओ, ताज़े हरी सब्जियां खाओ, तो दूध पियो, दही खाओ, मटन खाओ, मक्खा खाओ, मक्खन खाओ, पनीर खाओ, अंडे खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, ये तमाम लोग कह देते हैं बैलेंस डाइट। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बैलेंस डाइट स्थान, काल और पात्र, क्या बोला मैं, स्थान, काल और पात्र के अनुसार इसकी परिभाषा बदलती रहती है। ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति का बैलेंस डाइट अलग होता है और एक रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति की बैलेंस डाइट अलग होता है। तो कैसे मान लूँ कि सब पर एक ही नियम लागू हो जाएगा? दोस्तों मैं आप लोगों को आज सारी बातें अपने अनुभव के अनुसार मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों नॉर्मली ऐसे देखा गया है कि बैलेंस डाइट एक बच्चे का अलग हो सकता है, एक जवान का अलग हो सकता है, किसी रोगी का अलग हो सकता है, एक बूढ़े का अलग हो सकता है। कोई मोटा आदमी है जिसका वजन 100 किलो है, उसका बैलेंस डाइट अलग हो सकता है। कोई किसी का वजन 50 किलो है, उसका बैलेंस डाइट अलग हो सकता है। किसी का उम्र 500 किलो है तो उसका बैलेंस डाइट अलग हो सकता है। तो कैसे सब पर एक नियम लागू होगा? किताबी नॉलेज लागू नहीं होता। फिजिकली आओगे जमीनी हकीकत में तो ये कहानी कुछ और ही बयां करती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक सामान्य स्वस्थ आदमी के लिए प्रतिदिन 2300 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे बहुत सारे गरीब देखना, जिनको फल फ्रूट, घी, मक्खन, मलाई, पनीर नहीं मिलते, वो एक सामान्य खाना खा के भी एक अमीर से कहीं स्वस्थ रहते हैं और उनको कोई बीमारियाँ नहीं होती, जबकि अमीर लोग अच्छे से बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। तो फिर कहाँ गया तुम्हारा बैलेंस डाइट? ऐसी बातें नहीं दोस्त। दोस्त बैलेंस डाइट का मतलब आप पहले ध्यान सुनो। जैसे मान लो हम किसी दिन दावत में गए और खूब छक के खाना खा लिए, ठीक है? तो बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है कि अगर किसी दिन हमने ऊर्जा ज़्यादा ले लिया तो फिर उस ऊर्जा को बर्न करें, उस ऊर्जा को खर्च करें, या तो जिम करें या व्यायाम करें, नहीं तो यह ऊर्जा हमारे शरीर में जा करके स्टोर होगी और हमारे हार्ट को, तमाम शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं बैलेंस डाइट क्या है। जैसे सामान्य तौर पर देखा जाता है एक सामान्य नॉर्मल स्वस्थ आदमी जिसकी वजन करीब करीब 55 किलो से ऊपर हो और 80 किलो के अंदर हो, इसको इतने वजन के व्यक्ति एक सामान्य हेल्दी व्यक्ति कहे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में तीन चीज़ें मुख्य होती है, कफ, वात और पित्त। कफ, वात और पित्त को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाना चाहिए मैं बता रहा हूँ। चार रोटियाँ, 100 ग्राम चावल का दाल, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, थोड़ी कोई हरी सब्जी हो और एक गिलास दूध। यह मैं समझता हूँ यह सबसे बेहतर और सुंदर और बढ़िया बैलेंस डाइट है। दोस्तों मैं यही खाना मैं पिछले 25 साल से मैं खाता आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई रोग नहीं है। दोस्तों आज मेरी उम्र 57 साल की है, मुझे कोई रोग नहीं है। मैं यही खाना खाता हूँ, नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, जो बताया ना मैं, एक सामान्य आदमी की नॉर्मल खाना है।
अब चलिए हम बात करते हैं आप लोगों को कि यदि आपने किसी दिन ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा ले ली तो नेक्स्ट डे उसको बर्न करना होगा, या आप कम किलो कैलोरी ऊर्जा लें उसको मेकअप करें। किसी दिन आपने कम किलो कैलोरी ऊर्जा, जैसे मान लो कोई आप आउटडोर में हो या बाहर हो किसी काम से, तो आपने यदि कम किलो कैलोरी ऊर्जा लिया तो नेक्स्ट डे किलो कैलोरी ऊर्जा ज़्यादा लें उसको मेकअप करें। यानी आप हर हाल में करीब करीब 2300 किलो कैलोरी ऊर्जा के इर्द गिर्द अगल बगल ही आपको ऊर्जा लेनी चाहिए, तब आप एक बैलेंस डाइट खाने के लायक कहलाओगे। तो दोस्तों मैं बताया ना, मोटे पतले लोगों का डाइट अलग अलग हो सकता है, सबका बराबर नहीं होता। मौसम जलवायु के अनुसार बैलेंस डाइट और आहार बदलता रहता है। पौष्टिक भोजन खाने का पैमाना भी अलग अलग होता है। तो बताया ना, पौष्टिक भोजन तमाम चीज़ हो गए, लेकिन वो कितना लें, ज़्यादा नहीं लें, नहीं तो फिर आपको ओवर हो जाएगा। बताया ना, 4 रोटियां, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, 1 गिलास दूध और कोई थोड़ी हरी सब्जी, यह आपका कंप्लीट बैलेंस डाइट है। इससे आपको संपूर्ण विटामिन 2B12, संपूर्ण आपको पोषक तत्व करीब करीब आपको मिल जाएंगे। अगर 40 वर्ष के बाद यदि आप इससे ज़्यादा भोजन लेते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने स्वयं के दुश्मन हो, आप स्वयं के हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हो और आप किसी किसी बीमारी को दावत दे रहे हो। इतना में आपको संपूर्ण पौष्टिक आहार, संपूर्ण भोजन आपको मिल जाएगा। दोस्तों तो मैं बता दिया ना कि पौष्टिक भोजन क्या है, कितना लेना चाहिए। दोस्तों संतुलित आप बता रहे हूँ, लास्ट में बता रहा हूँ, संतुलित आहार, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ संतुलित आहार, संतुलित आहार का परिभाषा क्या होता है मैं बता रहा हूँ। संतुलित आहार का मतलब वो होता है जो भोजन हमारे शरीर के भार को और पाचन के शक्ति के अनुरूप हो, तथा वे भोजन हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुँचाए निरंतर स्वास्थ्य की रक्षा करें। एक बार और सुन लें आप लोग, संतुलित आहार का परिभाषा क्या होता है। संतुलित आहार का मतलब वो होता है जो भोजन हमारे शरीर के भार व पाचन शक्ति के अनुरूप हो, तथा वे भोजन हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए निरंतर स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों ये एक संतुलित आहार बैलेंस डाइट की परिभाषा है। आप कभी इसका पालन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरा ये वीडियो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।